काशी में पीएम मोदी के जन्मदिन से पहले लोगों ने की गंगा आरती। 72 मीटर लंबी चुनरी चढ़ाई गई। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के से पहले लोगों ने गंगा आरती की। पीएम मोदी के दीर्घायु की कामना से मां गंगा का दूध अभिषेक कर पूजन अर्चन किया गया। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नमामि गंगे ने लंबी उम्र के लिए उनकी तस्वीर के साथ मां गंगा की आरती उतारी। दशाश्वमेध घाट पर जन्मदिवस के पूर्व संध्या एक पर एक ओर गंगा तट की सफाई की गई, तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी के दीर्घायु की कामना से मां गंगा का दूध अभिषेक कर पूजन अर्चन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र के लिए मां गंगा को 72 मीटर लंबी चुनरी चढ़ाई गई। राष्ट्रध्वज तिरंगा लेकर पीएम मोदी और केंद्र सरकार के लिए मां गंगा से आशीर्वाद मांगा गया। स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करने का आग्रह किया गया। इस दौरान मां गंगा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश को आत्मनिर्भर बनाना, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता हेतु प्रार्थना की गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री 2014 के लोकसभा चुनाव में जब अपने संसदीय क्षेत्र के तौर पर काशी को चुना था, तब भी उन्होंने कहा था कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है। तब से अब तक मां गंगा के पुत्र के रूप में पीएम मोदी नमामि गंगे के तहत प्राथमिकता गंगा सफाई एवं सुनिश्चित करना है कि शहरों में गंदगी गंगा में न गिरे। दिन पहले ही हम लोगों ने माँ गंगा जी का दुग्धाभिषेक किया और गंगा आरती की और चुनरी भी चढ़ाया। उनकी दीर्घायु के लिए हम लोगों ने माँ गंगा जी से प्रार्थना की कि वो निरंतर इसी तरह अपने कार्यक्रम करते मतलब कार्य करते रहें और हम लोग उनके आगे ही ऐसा ही उनके नेतृत्व में हम लोग भी अपना कार्य करते रहें। मंत्री जी का जन्मदिवस है और इस जन्मदिवस के अवसर पर वाराणसी के इस पौराणिक दशाश्वमेध घाट पर नमामि गंगे के सदस्यों ने माँ गंगा की दिव्य भव्य आरती उतार करके उनके दीर्घायु होने की कामना की है। हम चाहते हैं कि मोदी जी आगे निरंतर भारत का नेतृत्व करें, उनका उम्र बढ़े और माँ गंगा बाबा विश्वनाथ से हमने यही आशीर्वाद मांगा है, वो निरंतर भारत की सेवा अपने हाथों से करते रहें, जनता जनार्दन के सुख दुख को ऐसे ही वो उबारते रहें, हम सभी उनके नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ते रहें, भारत तरक्की करता रहे, भारत आत्मनिर्भर बने, भारत आरोग्य भारत बने, इस निमित्त हमने माँ गंगा का दुग्धाभिषेक किया है। और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए पब्लिक वाइब ऐप पर।